नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बांसुरी में सरगम के बाद क्या बजाना चाहिए। मेरे बहुत से स्टूडेंट, बहुत से यूट्यूब पे मेरे पास भी कमेंट आए कि सर आपने जो पीछे चार पार्ट बनाए थे जिसमें आपने स्टार्टिंग में से बताया, आपने अगर देखा ही है तो मैंने ब्लो कैसे करते हैं बांसुरी में, बांसुरी को होल्ड कैसे करते हैं, बांसुरी में सरगम कैसे बताते हैं, ये सब पार्ट बना दिए थे। उसके बाद काफ़ी टाइम ने कोई वीडियो बनाया नहीं। उसके बाद आज बहुत कमेंट आए कि सर हमें सरगम तो बजानी आ गई। और बहुत से लोग होते हैं जिनको सरगम बजानी आती है, मगर सरगम के आगे वो क्या बजाए जिससे वो और बांसुरी में इम्प्रूवमेंट कर सकें और आगे जा सकें, उनको क्या करना चाहिए। तो उन्हीं के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ कि हम सरगम के बाद क्या बजाएं और सरगम को कैसे परफेक्ट करें। और सिर्फ साढ़े गामा गा दे नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा ही बजाते हैं, और सा के बाद क्या बजाना चाहिए, सा से डायरेक्ट ध कैसे बजाएं, ग प कैसे बजाएं, यानी डिफरेंट डिफरेंट जो साउंड होते हैं उनको हम कैसे बजाएं और उनको कैसे स्पीड कैसे करें। तो कुल मिला के बात ये है कि बांसुरी पे हमारी उंगलियां बहुत फास्ट हो जाए और हमें सरगम का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाए, स्वर का अच्छा ज्ञान हो जाए। तो आज के लेसन में ये सब कंप्लीट हम करने वाले हैं। तो मेरा नाम है हर्ष पाटिया, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ये पार्ट 5 है। अगर आपने पीछे वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। आप नए हैं चैनल पे तो उन सब पार्ट को देख लेना, तो आप स्टार्टिंग से बांसुरी सीख पाएंगे। और दूसरा है कि ऑनलाइन जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं वहाँ सीखना अच्छी बात है, मगर आप उसमें क्या गलतियाँ करते हैं, क्या आप बांसुरी किस प्रकार से सीख रहे हैं वो आप बता नहीं सकते हैं, नहीं दिखा नहीं सकते। तो इसके लिए आप प्रॉपर तरीके से जीरो से लेके क्लासिकल तक हमसे बांसुरी भी सीख सकते हैं। ये हमारे संपर्क नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें और हमसे पर्सनल क्लास ले सकते हैं। हमारे ग्रुप क्लासेस, पर्सनल क्लासेस, दोनों टाइप की क्लासेस चलती हैं और हम आपको 2.5 महीने के अंदर ही स्टेप बाय स्टेप जीरो से लेकर क्लासिकल तक पूरा कोर्स करवाते हैं, वो भी पूरे 2.5 महीने के अंदर। तो उसको भी आप हमारी क्लास से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। तो बात आती है कि हम सरगम बजाते हैं। सबसे पहले सरगम, इसमें वो इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, ये हमने सरगम नॉर्मल सबको आती है। अब देखो इसके अंदर फर्स्ट हमें क्या करना है, लॉन्ग नोट बजाने। तो ये सर लॉन्ग नोट क्या होते हैं, लॉन्ग नोट का मतलब होता है एक साउंड को लॉन्ग बजाना, बहुत देर तक बजाना। जैसे एक सेकेंड से ज्यादा जो साउंड बजता है उसको लॉन्ग नोट कहते हैं। जैसे अभी मैंने बजाया सा सा, ये सा सा रे ग म, ये शॉर्ट है लॉन्ग। सा ग ध स्टेप से कोशिश मत करिए, एक सांस में एक साउंड है ना, तो उसमें आपको बांसुरी में मिठास आनी स्टार्ट हो जाएगी और स्वर का ज्ञान होने लग जाएगा आपको। सा की आवाज क्या है, ध की आवाज क्या है, उसमें और आपको आनंद आने लग जाएगा। वन सेकंड, अब मैंने एक सांस में 2 बजे है ना, तो लॉन्ग होना चाहिए कुल मिला के, ठीक है, समझ गए लॉन्ग नोट किसको बोलते हैं। तो लॉन्ग नोट से क्या होता है, हमारे बांसुरी में मिठास आती है, स्वीटनेस आती है। तो
आपको अपनी बांसुरी में सरगम के बाद आपके सरगम को लॉन्ग बजाना सीखिए, ठीक है। और कुछ मैं अलंकार बताता हूँ आपको, तो अलंकार को आप फॉलो करिए। अलंकार को आप दोनों टाइप से बजा सकते हैं, मैं आपको चार अलंकार बताऊंगा, उनको आप लॉन्ग और शॉर्ट में दोनों बजाना है। लॉन्ग नोट कैसे बजाते हैं मैंने बता दिया, अभी शॉर्ट नोट कैसे बजाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट नोट का मतलब देखो, लॉन्ग नोट का मतलब मैंने क्या बताया, एक सेकेंड से ज्यादा जो साउंड बजता है उसको हमने लॉन्ग नोट बोला है। तो एक सेकेंड और एक सेकेंड से कम बजता है उसको हम शॉर्ट नोट बोलते हैं। ये उसी प्रकार है जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, इस टाइप से ऐसे टेढ़ा करके वीडियो देखते हैं जैसे अभी आप देख रहे हैं, उसको बोलते हैं लॉन्ग वीडियो। और जो आजकल वो ऐसे ऐसे चलता है देखते हैं ना शॉर्ट वीडियो, तो वो एक मिनट से कम होते हैं। तो हमारे भी ऐसे ही वो ही दोनों टाइप है। तो ये दोनों टाइप अगर आपको बांसुरी में आते हैं तो आप बांसुरी बहुत अच्छे तरीके से बजा सकते हैं। ओके, और जगह शॉर्ट नोट कैसे होता है ये, मतलब एक सेकंड में इसको फिनिश करना है। साउंड चेंज होना चाहिए, और लॉन्ग का मैंने बता दिया कि उसको रोक के रखना है। फिर थर्ड स्टेप क्या है, इन दोनों को मिक्स कर दो, ठीक है। करके बजाएंगे तो भी बहुत अच्छा साउंड आएगा, और आपको बार बार बहुत कुछ बजाने को मिलेगा। तो मैं एंड में आपको चार अलंकार भी बताने वाला हूँ इसका, इसलिए जो देखो जिसका अच्छा मन है और वास्तव में जो सीखने के लिए बांसुरी आए हैं यूट्यूब पे सीखना चाहता है अच्छे से, वो वीडियो को पूरा देखा करो, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखने को मिलेगा। तो दो दो तीन तीन मिनट देख के, दो बातें देख के जो निकलने वाले हैं उनके लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ता है। तो मैंने आपको बताया, वापस मैं आपको बता देता हूँ, लॉन्ग नोट सबसे पहले, फिर शॉर्ट नोट उसके बाद में, फिर इन दोनों को मिक्स करना है। अब ये मत बोलना लॉन्ग नोट कैसे बजाते हैं, शॉर्ट नोट कैसे बजाते हैं, ये मैंने दोनों आपको डिटेल से बता दिया, ठीक है। फिर भी आपको नहीं समझ में आता, ये चीज़ों को हम एक एक टॉपिक लेते हैं पूरा। जैसे हमने लॉन्ग नोट में एक दो दिन तक इनको डिटेल में सिखाते हैं जब हमारी क्लासें होती, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि आपको ही सिखाना होता है, तो आपके लिए हम फुल टाइम दे सकते हैं, यहाँ नहीं दे सकते। भी यहाँ पे अगर 10-15 मिनट का वीडियो चला गया तो लोग देखते भी नहीं है, क्योंकि तो इतना लोगों का वीडियो पता नहीं क्या होगा, है ना। तो वहाँ पे अगर आपको पर्सनल क्लास में आधे घंटे भी हम देते हैं, है ना, एक से एक घंटा भी पूरा, एक दो घंटा भी पूरा, तीन घंटा भी पूरा, अगर आपको एक टॉपिक में देते हैं तो कोई लॉस नहीं है, है ना, क्योंकि वो आपके फायदे में ही रहता है। इसलिए क्लासों में उसमें ये थोड़ा सा फर्क होता है, या हम बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं बता सकते। ओके, तो लॉन्ग नोट शॉर्ट नोट मिक्स करना। फिर देखो हमारी बांसुरी में उंगलियां तेज करने के लिए और स्वर की पहचान करने के लिए और बहुत कुछ बांसुरी में स्वीटनेस लाने के लिए इन दो तीन अलंकार चार अलंकार को हम फॉलो करें। तो मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट अलंकार कौन सा है। वैसे देखो यहाँ पे चार अलंकार लिखे हुए आ रहे हैं, उन्हीं चार अलंकारों को हमें लॉन्ग में बजाना है और शॉर्ट में बजाना है, ठीक है। तो लॉन्ग नोट में मैंने आपको बताई दिया किस टाइप से बजाना है और शॉर्ट नोट में किस टाइप से बजाना है, फिर आप इन दोनों को मिक्स करके भी बजा सकते हैं। तो मैं आपको दोनों टाइप से सिखा देता हूँ। पहले क्या है देखो, आप देख रहे होंगे अलंकार, सारे पानी सा, पहले देखो आपको बोलना भी आना चाहिए, अगर आप बोलना अगर आपको आता है तो आप बजा लेंगे, है ना। तो पहले बोलिए,
देखो पहले बोलना सा रे पा नी सा, दूसरा नियम उसको गाना सा रे पा नी सा, थर्ड स्टेप जो आता है वो होता है बजाना। तो इस चीज को आप फॉलो करिए। पहला पहली बात क्या है गाना, सॉरी पहली बात क्या है बोलना, दूसरी उसको गाना, तीसरी उसको बजाना। तो अगर ये तीन नियम आपको ध्यान में तो आप बहुत अच्छे से इसको बजा सकते हैं। ओके तो पहले इसका उल्टा कर दीजिए, सानी पुरे उंगली से बताने की मुझे नहीं लगता जरूरत है आपको, है ना, क्योंकि चलो फिर भी कोई बिगनर है तो मैं बता देता हूँ। ये हमारा सा होता है सा रे पा नी सा नी प रे सा। कमेंट में बताऊं कि भी जो मैंने बताया ये लॉन्ग में था या शॉर्ट में था, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो कौन कौन देखते हैं एकदम सही बताते हैं, है ना। तो देखो सा क्या हो रहा है, लॉन्ग हो रहा है ना, तो लॉन्ग होगा सा। अगर ये ऐसा होता सा रे पा नी सा, सा नी प रे सा, तो क्या होता शॉर्ट, बहुत बढ़िया। देखो आप मेरे को कमेंट में किस टॉपिक पे किस सॉन्ग पे ट्यूटोरियल लाने वो भी आप बता सकते हो, या आपको फ्लूट में क्या प्रॉब्लम आती है वो भी आप बता सकते हो। बाकी मेरे व्हाट्सएप नंबर रहते हैं, मैं पर्सनल आपके मैसेज का रिप्लाई देता हूँ, तो वहाँ पे भी अगर आपको फ्लूट में कोई भी दिक्कत आती है, वो क्लास तो अलग बात है, आप क्लास नहीं भी लेते हो फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती तो भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। मेरे से जितना होगा मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूँगा। ओके तो नेक्स्ट अलंकार हम करते हैं, नेक्स्ट अलंकार क्या है, सा गा मा धा सा। पहले बोल लेते हैं सा ग म ध सा, ठीक है, सा ध म ग सा, ठीक है। अब इसको गाना सा ग म ध सा ध म ग सा, अब बजा लेते हैं। इस टाइप से कर लेंगे, लॉन्ग में बज रहा है, ठीक है, लॉन्ग में ही ज्यादातर हमें लॉन्ग में ही अपनी फ्लूट को रखना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपको लॉन्ग शॉर्ट मिक्स ये बजाना आ गया तो आप मतलब एबीसीडी सीख जाएंगे बहुत अच्छे से। एबीसीडी होती है ना, उसके बाद में एबीसीडी हमारे साथ सरगम, उसके बाद में जो मीनिंग्स बनाना होता है, नेम्स बनाना होता है, वो यही काम करते हैं, है ना। तो आपको आना चाहिए ये भी पार्ट अच्छे से फ्लूट में। ओके नेक्स्ट सेकेंड हो गया थर्ड, ठीक है, सानी मारे सा। सर आपने तो बताया था पहले बोलना है, है ना। देखो बोलना और गाना इन दोनों में फर्क होता है, है ना, तो आप भी फर्क देखिए। तो पहले बोलना कैसे सा, अब ये जो सा ना वो हाई वाला से, है ना, हम डिसेंडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अवरोह, है ना, सा सा, ये फर्स्ट और लास्ट वाला, आपको इतना तो ध्यान में होगा आपने 703 तक है, सानी सानी मारे, गाने बजाना रे सा सा रे मानी सा। ओके अंतर है, फर्स्ट वाला नहीं है, है ना, हाई वाला है। सॉरी
स्लो बजाने की कोशिश करें, नीचे वाला नहीं है ना, वो नहीं है, ये वाला कौन सा है, हाई वाला, यानी जो मिडल में हम रखते हैं, है ना, हमारा सातवा जो साउंड है, और जो हमारा बड़ा वाला साउंड है वो आठवा साउंड है, सा रे ग म प ध नी, तो जो नी आता है वो सात पे आता है, और जो लास्ट वाला सा है वो आठ पे आता है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। तीन बता दिए, चौथा फो नी रे म म रे नी फो, यहाँ जो प वो लो वाला है, अगर ये आपको नहीं पता है कि लो साउंड कैसे बजाते हैं, मिडिल साउंड कैसे बजाते हैं, हाई साउंड कैसे बजाते हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो ला सकता हूँ, तो आप कमेंट में बता देना कि सर पार्ट सिक्स लाइए, लो साउंड मिडिल साउंड हाई साउंड कैसे प्ले करना है वो हमें सिखाइए। देखो अभी लगभग 16 मिनट का वीडियो हो गया है, तो आप कमेंट में अगर इतने देर तक मुझे कोई देख रहे हैं सुन रहे हैं तो इसका मतलब यूट्यूब पे भी बहुत लोग सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, मगर आपको कमेंट करना पड़ेगा। देखो बाकी आप ही कमेंट और लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा हाँ मैं जो ये जो कैमरे के सामने बोल रहा हूँ और ये कोई सुन रहा है, तभी तो पता चलेगा ना, इसलिए नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फिर हम मेरे वीडियो आपको मिलेंगे नहीं, मैंने पार्ट सिक्स बना दिया और पार्ट सिक्स आपको नहीं मिला तो फिर मतलब क्या, इसलिए यूट्यूब पे कुछ सुविधाएं होती है, सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि कोई भी हम वीडियो बनाते वो आ जाता है, ये आजकल नॉर्मल चीज़ है आपको पता होगा, और वीडियो को लाइक करने से भी मेरे बहुत सारे जो वीडियो हैं वो आपको सजेशन में मिलते रहते हैं, इसीलिए कोई भी आप एक अच्छा वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक करना चाहिए, और आप उसमें लॉन्ग टाइम तक उसकी वीडियो देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करना चाहिए, और कमेंट में आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और आप तक को बता भी सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से फॉलो करिए। आज के पार्ट में मैंने आपको लॉन्ग नोट शॉर्ट नोट इनको मिक्स करके कैसे बताते हैं वो बताया, और इनके मैंने चार अलंकार आपको बताए हैं जिससे आप अच्छे तरीके से पूरे बांसुरी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो आपको क्या वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, सबको नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।